सीपी शेखर बस्ती के बाहर पुराने कपड़ों की दुकान लगाने वाले सैकड़ों लोग अपनी मांग को लेकर नगर निगम और कलेक्ट्रेट आए, लेकिन अधिकारी इन लोगों से नहीं मिल पाए। 25 से 30 वर्षों से सीपी शेखर बस्ती के बाहर पुराने कपड़ों का व्यवसाय करने वाले लोगों को निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर हटाया था। इन्हें वैकल्पिक जगह नहीं दी गई। सैकड़ों लोगों के परिवार पर रोजी रोटी का खतरा मंडरा रहा है। अधिकारी इन लोगों से 2 फरवरी को मिलेंगे। राजवाड़ा से गोपाल मंदिर के पीछे नेता था, तो हमको 3 के 60 बना के दिए थे। हमको इधर 30 साल 35 साल होने में आ रही है। अब इतने जाने का परिवार कैसे चला है? क्या बोलते हैं? तो हमको अभी कोई ना कुछ बोला ही नहीं। वहाँ से बोला नगर निगम जाओ, हम नगर निगम आ रहे हैं। हमारे को राजवाड़े से उठा के हमारे को पंडरीनाथ भेजा के भाई वहाँ पे बैठो। वहाँ पे बैठा हमारे को 40 साल हो गए, 35-40 साल हो गए बैठे बैठे। और हमारे को वहाँ से अब यार एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो महीने हो गए, हम परेशान बहुत हो रहे हैं। अब हमारे को जगह हमारे को वहाँ वहाँ पे नहीं बैठने थे, पंडरीनाथ के जोन के उधर से नीचे जगह ले सकते हैं, हम वहाँ बैठ सकते हैं। हमारे को बहुत ज्यादा परेशान हो गए, हम बहुत ज्यादा परेशान। अभी 1-1.5 महीने से किस तरह जीवन यापन कर रहे हैं? 1.5 महीने से हम बहुत परेशान हो रहे हैं। गंदा पानी घर ही बैठे हुए, गंदा पानी नहीं, खाने के मोहताज हो रहे हैं। हमारे बच्चे कैसे पानी? कितने परिवार? 700-800 जनता है, ऐसे तो 1000 जनता है, 1000 जनता से ज्यादा है। अब वहाँ हुआ क्या कि 1981 के अंदर हम लोग वहाँ से हटाया गया था। हमें निगम ने 70,000 रुपये लेके 3 शेड बना के हर सद्दी पे जो सीपी शेखर नगर है वहाँ पर हमारे को 3 शेड बना के वहाँ बिठवाया था। हमारे को हमारी वहाँ दुकान दी थी बाकायदा। अब वहाँ पर हम 29 साल से बैठे हुए थे। उसके बाद हमारे पास वहाँ के लोग आते कहते हैं भैया अभी संरक्षण मिशन चल रहा है, आप यहाँ से 8-1 दिन की हट जाइए। तो हम भी बड़े खुश थे कि साहब अपना इंदौर चौका लगाएगा, अपन 7 रैंकिंग लाएंगे, 7 स्टार बनेंगे। बाकी हमें वहाँ से हटाने के बड़ी अजीब गरीब तरीके से वहाँ से हमें हटाया गया। हम खुशी खुशी वहाँ से हट गए। और हम वहाँ पर जब वापस जाते हैं 8 दिन बाद तो वहाँ के देखते हैं कि वहाँ पर टाइल्स लग गई हैं। तो जहाँ हम बैठते थे वहाँ पार्किंग खड़ी हुई है, वो गेट लगा हुआ है। और जब पार्किंग है वहाँ एक कचरे की गाड़ी और 2 बाइक खड़ी हुई है। अभी 700 लोग का परिवार है जो वहाँ से रोजी रोजगार कमाता था, उनके बिल्कुल पेट पर संकट आ गया था, खाने पीने की नौबत आ गई है। मतलब आज हमें 29 तारीख से वहाँ से ये बोल के हटाया गया था कि सर्विस चल रहा है, आप हमारी मदद कीजिए, 7 स्टार लेके आएंगे अपन। तो बिल्कुल 7 स्टार लेके आएंगे। बाकी ये 7 स्टार किस काम का जो लोगों की पेट पे आ गई सब। बिल्कुल पिछले मंगलवार के दिन हम कलेक्टर साहब से मिले थे, SDM साहब से मिले थे। तो वहाँ पर हमें उन्होंने ज्ञापन लेके कहा था हम आपको फ़ोन लगाते हैं, आपको बुलवाएंगे। तो 8 दिन से वो फोन वन आया नहीं है। हमें मजबूरी होकर वहाँ जाना पड़ा कि चलो यहीं चल चलते हैं। वहाँ बात करी तो उन्होंने कागज़ देखे हमारे पुराने वाले जो स्लिपें थी हमारे पास, उन्होंने कहा ये कोई काम के नहीं है, जो आपका चेक नंबर है 70,000 रुपये खाली वही काम का है, और ये हमारे हाथ में नहीं है, आप कमिश्नर निगम आयोग से मिले, नगर निगम जाके मिलिए।